रिंकू सिंह रातों रात इंडियन क्रिकेट के स्टार बन गए। गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाकर रिंकू ने पूरे देश में धूम मचा दी। जो उनके फैन थे वो और तगड़े फैन हो गए, जो नहीं जानते थे वो जान गए। आईपीएल इतिहास में 29 रन कभी चेज नहीं हुए थे। आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाकर रिंकू ने कोलकाता को मैच जिताया। जो धोनी रसल पोलार्ड नहीं कर सके वो यूपी के अलीगढ़ के इस लड़के ने कर दिखाया। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता को आखिरी ओवर में 32 रन बनाने थे, हालांकि रिंकू ऐसा नहीं कर सके, पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी उन्होंने शानदार पारी खेली। 31 बॉल में 58 रन बनाए, पारी में 4 चौके और 4 छक्के थे। और इसी पारी के दौरान कुछ ऐसा पता चला जिसे देख आईपीएल फैंस की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। SRH वर्सेस KKR में जब रिंकू बैटिंग कर रहे थे तब आईपीएल वालों ने एक पोल चलाया। सवाल था, क्या रिंकू की पारी आईपीएल के इतिहास की सबसे शानदार मैच जिताने वाली पारी थी? जवाब सुन आपके होश उड़ जाएंगे। 81% लोगों ने हामी भरी, 19% लोग इसके विपरीत सोचते हैं। याद दिला दें, आईपीएल में कई शानदार पारियां खेली गई हैं। क्रिस गेल की 175 रन की पारी, एबी डिविलियर्स की 133 रन की कुटाई, 2016 से विराट की कोई भी पारी, जॉस बटलर, MS धोनी की पारियां, आंद्रे रसल की भयानक बैटिंग, केरन पोलार्ड की आसानी से मारे हुए छक्के, 2018 के फाइनल में शेन वॉटसन की सेंचुरी, पंजाब के खिलाफ सुरेश रैना के वो शॉट्स, ऐसी जाने कितनी ही पारियां ध्यान में आती हैं, पर इन सबको पीछे छोड़ गए हैं रिंकू। 2022 के चैंपियंस गुजरात के खिलाफ प्रेशर में खेली गई रिंकू की पारी यादगार तो होनी ही थी। आप कॉमेंट कर बताइए आपके लिए सबसे शानदार मैच विनिंग पारी कौन सी रही है। अब रिंकू सिंह के शानदार स्टैट्स के बारे में जान लेते हैं। क्रेक से मिले डेटा के अनुसार आईपीएल 2023 में 100 रन बनाने वाले प्लेयर्स में रिंकू का स्ट्राइक रेट शानदार है। भारतीय बल्लेबाजों में वो सबसे ऊपर है। लिस्ट में सबसे ऊपर निकोलस पूरन है। पूरन ने 220 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। काइल मेयर्स दूसरे नंबर पर है, उनका स्ट्राइक रेट 181 का है। तीसरे नंबर पर रिंकू का नाम है, उन्होंने 175 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। पिछली 3 मैच से ही रिंकू शानदार फॉर्म में रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 33 बॉल में 46 रन, गुजरात के खिलाफ 21 बॉल में 48 और सनराइजर्स के खिलाफ 31 बॉल में 58। आखिरी दोनों पारी में रिंकू नाबाद रहे थे, यानी प्रेशर मुकाबलों में रिंकू और निखर जाते हैं। ट्विटर पर फैंस कह रहे हैं, ऐसे ही प्लेयर की तो इंडिया को जरूरत है। अगर आपको इस प्लेयर के बारे में नहीं पता तो आगे हम आपको उनकी पूरी कहानी बता देते हैं। रिंकू बेहद गरीब घर से आते हैं। उनके पिता घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम करते थे और पूरा परिवार उसी सिलेंडर बांटने वाली एजेंसी से सटे 2 कमरों वाले मकान में रहता था। अलीगढ़ स्टेडियम के पास रहने वाले इस परिवार के 5 बच्चों में रिंकू 3रे नंबर पर है। रिंकू का एक बड़ा भाई ऑटो रिक्शा चलाता है, दूसरा एक कोचिंग सेंटर में काम करता है। 2018 के ऑक्शन में बिकने के बाद रिंकू ने इंडियन एक्सप्रेस के देवेंद्र पांडे से कहा था, सोचा था 20 लाख में जाऊंगा लेकिन मुझे 80 मिल गया। पैसे मिलने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि मैं अपने भाई की शादी में योगदान दे पाऊंगा और बहन की शादी के लिए भी पैसे बचा पाऊंगा और एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। दरअसल रिंकू ने इस दिन से पहले बहुत बुरे दिन देखे थे। इस ऑक्शन से 3 साल पहले उनके परिवार पर 5 लाख का कर्ज था और इस परिवार की कमाई में ये पैसा वापस करना आसान नहीं था। 9वीं क्लास में फेल हो चुके रिंकू पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्हें पता था कि उनकी किस्मत क्रिकेट से ही पलट सकती है। ऐसे में उन्होंने पूरा ध्यान इसी पर लगा दिया। रिंकू उस वक्त यूपी अंडर 19 टीम के लिए खेलते थे और यहाँ से होने वाली सारी कमाई उन्होंने इस कर्ज को उतारने में लगाई। इस बारे में रिंकू ने कहा था, पापा और भैया महीने के 6-7 हज़ार ही कमा पाते थे, मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है इसलिए मेरे पास क्रिकेट पर फोकस करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। रिंकू के परिवार का उन पर भरोसा तब बढ़ा जब उन्होंने दिल्ली के एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बनने पर एक मोटरसाइकिल जीती। अब पिताजी इस मोटरसाइकिल के जरिए सिलेंडर डिलीवर करने लगे, हालांकि हालात अब भी बहुत अच्छे नहीं थे। ऐसे में रिंकू ने अपने भाई से कुछ काम दिलाने को कहा। इस बारे में उन्होंने बताया, वो मुझे जहाँ ले गए वहाँ मुझसे साफ सफाई और पोछा मारने का काम कराया गया। मैं घर लौटा तो अपनी माँ से बोला कि मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगा, मुझे क्रिकेट में अपना भाग्य आजमाने दीजिए। और फिर भाग्य आजमाते हुए रिंकू आईपीएल तक पहुंचे, जहां वो आईपीएल 2018 से ही KKR के साथ हैं। टीम हर बार उन्हें रिटेन कर रही है, लेकिन उनके आंकड़े बहुत अच्छे नहीं थे। आईपीएल 2022 में अपनी काबिलियत दिखाने के बाद आईपीएल 2023 में रिंकू शानदार बैटिंग कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी पुनीत ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।